अल्लाह दोस्तों, वेलकम बैक ऑन हैज यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए लाए हूँ अनबॉक्सिंग के लिए एक स्मार्टफोन वीवो की जानब से Y95। देखते हैं कि Y95 के बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट मौजूद हैं और इस स्मार्टफोन डिवाइस जो Y95 है इसके क्या स्पेक्स हैं, इस वीडियो में देखिएगा, हमें साथ रहिएगा। ये मेरे सामने मौजूद है वीवो Y95 का बॉक्स। इसके बैक साइड पर बताएगा कि इसका 6.2 इंचेस का हेलो डिस्प्ले है, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 4030 mAh की इसके अंदर बैटरी मौजूद है। इसके कलर की बात करें तो स्टेरी ब्लैक कलर है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है एक प्लास्टिक केस, और इस प्लास्टिक केस के नीचे एक बॉक्स है। इसके अलावा कुछ बार कोड्स मौजूद हैं जो कि वारंटी के वक्त इस्तेमाल होंगे। और इस बार कोड के अलावा अगर मैं देखूं तो इसके अंदर टिपिकल वीवो की जानिब से जो हैंड फ्री दी जाती है वो मौजूद है, जिसके अंदर वूफर वाला सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है और एक बिल्कुल आम सी हैंड फ्री है। और इसके साथ इसकी डाटा केबल अगर देखें जो कि चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होगी वो एक सिंपल USB वाली और केबल है। और इसके साथ ही इसके अडाप्टर की बात करें तो वो 2 एम्पेयर 5 वोल्ट का वीवो का अडाप्टर है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। और ये एक जो सिंपल होता है 1 एम्पेयर का चार्जर उससे कुछ हद तक फास्ट है क्योंकि इसके अंदर 2 एम्पेयर है। और इसके बॉक्स को मैं साइड पे करूँ तो सबसे पहले इसके अंदर आपको स्मार्टफोन मिलेगा जिसको मैं साइड पर रख देता हूँ फ़िलहाल। और इसके नीचे मौजूद हैं कुछ पेपर वर्क जिसके ऊपर से अगर मैं कवर को साइड पर करूँ तो इसके अंदर आपको वारंटी कार्ड भी मिल जाता है, कुछ मैनुअल मिलते हैं। और इसके नीचे मौजूद है सिम इंजेक्टिंग टूल पिन। और इसको अगर मैं साइड पर करूँ इसके नीचे बिल्कुल मौजूद है आपके पास इसकी क्विक स्टार्ट गाइड जिसके ऊपर इसके कुछ स्पेक्स के बारे में बताया गया है मुख्तलिफ जो कि आप देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन पर। और इसके अलावा अगर मैं स्मार्टफोन को ऑन करके देखूँ जिसको मैं पहले से ही सेटअप कर चुका हूँ मोबाइल फ़ोन शॉप पर, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले। और देख सकते हैं आप इसके डिज़ाइन को, अगर इसके मैं बैक साइड पर जाऊँ तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट की गई है वीवो ब्रांडिंग के बिल्कुल टॉप पर स्क्वायर शेप में। और इसके अलावा इसके डुअल कैमरा सेटअप है, LED फ्लैश है, एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और दूसरा जो है छोटा कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मौजूद है। इसके अलावा इसके फ्रंट साइड पर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रंट साइड पर 20 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सिंगल कैमरा मौजूद है। और उस कैमरा के साथ ही कुछ हिडन सेंसर मौजूद हैं जो कि लाइट सेंसिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके ऊपर एक ग्रिल दी गई है जो कि आपको फ़ोन कॉल्स अटेंड करने में एज अ स्पीकर इस्तेमाल करेंगे आप। और अगर मैं इसके अब साइड पर जाता हूँ तो यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन मौजूद है, इसके अलावा वॉल्यूम अप डाउन बटन मौजूद है। और टॉप पर बिल्कुल प्लेन सिंपल डिज़ाइन है। और इसके दूसरी जानब एक सिम ट्रे दी गई है जिसके अंदर डुअल सिम की प्लेस मौजूद है और उसके साथ ही मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं। तीनों चीज़ें एक टाइम पर बेस पे जाते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर की एक ग्रिल मौजूद है, उसके साथ USB पोर्ट मौजूद है, उसके साथ बिल्कुल एक माइक्रोफोन की जगह दी गई है और उसके साथ 3.5 mm ऑडियो जैक की पोर्ट भी मौजूद है। इसके मज़ीद कुछ स्पेक्स को अगर आपको बताऊं तो इस स्मार्टफोन को ऑन करके देख लेते हैं। सबसे पहले इस स्मार्टफोन को मैं ऑन करूं अगर तो इसके अंदर ऑन करने से पहले आपको मैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की भी कुछ बता दूं कि जो कि मैं पहले सेटअप कर चुका हूं। इसकी स्पीड आप देख सकते हैं कि मैं अभी ऑन किए साथ ही बिल्कुल फिंगर अटैच करते साथ ही ऑन हो गया है। और जहाँ तक इसके फेस अनलॉक है वो इतना अच्छा नहीं है। और सेटिंग में जाते हैं इसके अंदर, अभी पहले आपको मैं बताता चलूं कि इसके अंदर सिस्टम अपडेट और उसके साथ नीचे अगर मोर सेटिंग में जाऊं तो अबाउट फ़ोन का एक सेक्शन है जिसके अंदर बताया गया है इसके अंदर 8.1 एंड्रॉयड 1.9 स्नैपड्रैगन 439 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मौजूद है, 4GB रैम है, फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम 4.5 यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसकी स्टोरेज की बात करूँ जो कि 64GB की स्टोरेज है वीवो Y95 में। बस इतना ही है स्मार्टफोन के अंदर। और अनबॉक्सिंग और आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इसका रिव्यू, इसका कैमरा टेस्ट, इसके स्पीड टेस्ट वगैरह मुख्तलिफ टेस्ट इसको शेयर करेंगे, इसको मुख्तलिफ मोबाइल के साथ कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, कोई क्वेश्चन है कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।